ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने चंद्र को मस्तक पर धारण क्यों किया था। पौराणिक कथानुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शनै-शनै चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं छिन्न होने लगी। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनः जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्यु तुल होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल कष्टों को भोग रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।